गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, आई एम केशव, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट, वी आर स्टडिंग आवर 12th चैप्टर यूज ऑफ ए एंड दी, एंड इन दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड आवर फोर रूल एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टडी फिफ्थ रूल। ओके, द इज यूज्ड बिफोर सच नाउंस व्हिच सिग्निफाई देयर क्लास और ऑल थिंग्स ऑफ देयर टाइप्स। द का प्रयोग हमें उन नाउन से पहले करना है जो कि ये सिग्निफाई करते हैं उसी वर्ग से, उनकी क्लास से या फिर उनकी वस्तु से। मतलब कि यदि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ए होल क्लास, यदि हम किसी भी चीज़ के बारे में या फिर किसी प्राणी की पूरी क्लास के बारे में बात करते हैं, बात करना इन द सेंस वर्ग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता वफादार जानवर होता है, तो इट मीन्स कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर डॉग। हम किसी पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे संसार में जितने भी कुत्ते की प्रजाति है उनके बारे में बात करते हैं कि पूरे संसार में जितने भी कुत्ते हैं वो क्या होते हैं, वफादार होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने किसी पर्टिकुलर डॉग या विशिष्ट डॉग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरे वर्ग के बारे में। तो जब पूरे वर्ग के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, डॉग से पहले किसका प्रयोग किया गया है, द का। नंबर सिक्स का रूल है हमारा, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, रिलीजियस बुक्स, डायरेक्शंस, न्यूज़पेपर्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, ईटीसी। द का प्रयोग किया जाएगा उन नाम से पहले, जैसे कि किन के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले, न्यूज़पेपर के नाम से पहले, कोई भी माउंटेन्स हैं उनके नाम से पहले, या फिर डेजर्ट्स या किसी रेगिस्तान के नाम से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कोई सी भी नदी हो, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, यदि उनका नाम कहीं पर भी आता है तो इन दैट केस हम उनसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का यूज करेंगे। हमारी जो रिलीजियस बुक है, जैसे कि रामायण है, गीता है, वेद है, ठीक है, या फिर जो भी रिलीजियस बुक है, ठीक है, बाइबल है, कुरान है, इनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनसे पहले किसका यूज किया जाएगा, द का। जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ। न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर हो, जैसे कि राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, दैनिक नवज्योति है, इनके नाम से पहले हम किसका यूज करेंगे, दी का यूज करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 7 है, द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री और एडजेक्टिव। आपने शायद डिग्री के बारे में स्टडी की होगा, यदि नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, हम उसके बारे में भी स्टडी कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी कोई भी सुपरलेटिव डिग्री, एक्चुअली क्या है कि डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपरेटिव, सुपरलेटिव। अब पॉजिटिव में क्या होता है, जैसे कि गुड को लेके चलते हैं हम, पॉजिटिव डिग्री में गुड होता है, ठीक है। अब उसी गुड को यदि हम कंपरेटिव डिग्री में बोलते हैं तो वो क्या हो जाता है, बेटर। मतलब कि गुड यानी अच्छा, बेटर यानी और अच्छा, और बेस्ट मतलब और अच्छा। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना तीसरे नंबर की, उस डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। बस सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि जो लास्ट का वर्ड होता है ना, वर्ड के लास्ट में ईएसटी ऐड होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, डार्क के लास्ट में हमने क्या ऐड किया हुआ है, ईएसटी, डार्केस्ट, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री में पहचान अधिकतर ये होगी आपकी कि वर्ड के अंत में ईएसटी ऐड होगा, और इन दैट केस हम वहाँ पर द का यूज करेंगे। जैसे कि देखो, सेकंड वाला एग्जांपल है, ही इज द बेस्ट बॉय, ठीक है। अब हमने यहाँ पे द का यूज किया है बेस्ट से पहले, क्यों किया है, क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है किसकी, गुड की, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो बेस्ट से पहले हमने किसका यूज किया है, द का यूज किया है। इसी तरीके से थर्ड वाला है, शी इज द स्मॉलेस्ट गर्ल। अब इसमें स्मॉलेस्ट, स्मॉल के लास्ट में क्या दिया हुआ है, ई एस टी। तो जहाँ पर भी आपको यदि ऐसे कुछ वर्ड दिखाई दे, ठीक है, जहाँ पर ई एस टी ऐड हुआ है, तो हम उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का।
हम इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में जितनी भी एक्सरसाइज है सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इन एक्सरसाइज को आप करने की कोशिश करेंगे। यदि कहीं पे भी कोई भी इशू आ रहा हो इन एक्सरसाइज को करने में, ठीक है, कहीं पे भी कोई किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, इन दैट केस आप उसे रेड मार्क कर लीजिएगा या फिर आपकी प्रॉब्लम नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इट वॉज, हमें इसमें ए एन डी का प्रयोग करना है, ठीक है। इट वॉज डैश प्लीजेंट मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या हुआ है, प्लीजेंट, प्लीजेंट का पी किस में है, कंसनेंट में। अब कंसनेंट के लिए हम ए और एन में से किसका प्रयोग करेंगे, ए का। देखिए यदि यहाँ पर इन डैश और प्लीजेंट नहीं आता और डायरेक्ट मॉर्निंग आता तो हम क्या करते, इन द मॉर्निंग। लेकिन यहाँ पे प्लीजेंट आया हुआ है और प्लीजेंट को जब हम बोलते हैं तो इसका जो फर्स्ट लेटर पी है, ठीक है, उसी का हम उच्चारण किस में करते हैं, पी में करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आएगा ए। दूसरा देखिए, दे वेंट टू ए पार्क, वो एक पार्क में गए। दे सा मैनी पीपल इन डैश पार्क। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एक नियम बताया था कि जब किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और पर्टिकुलर उसी चीज़ या फिर उस मतलब कि थिंग के बारे में हम वापस बात करेंगे तो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो दे सा मैनी पीपल इन डैश पार्क, तो अब यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, ए एन डी में से। देखो पार्क पहले भी आ गया, पहले वाले सेंटेंस में वापस आया है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, अब द का प्रयोग करेंगे। इसके लिए रूल नंबर हमारे देखो फोर्थ वाला, आईसा ए लोयन, मैंने ये लोयन देखा। अब मैं उसी लोयन के बारे में दोबारा बात कर रहा हूँ तो उससे पहले मैं किसके बारे में किसका यूज करूँगा, द का यूज करूँगा। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग डैश स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, ठीक है। अब प्राणायाम के जो भी स्टेप्स हैं पर्टिकुलर होते हैं तो उससे पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ए तो वैसे ही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि स्टेप्स, स्टेप्स क्या है, प्लूरल, प्लूरल है ना, तो प्लूरल के लिए ए और एन का तो वैसे ही प्रयोग नहीं होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ वाला देखिए, प्राणायाम शुड बी डन ऑन डैश एम्प्टी स्टोमक। अब यहाँ पे देखिए डैश के बाद में क्या आ रहा है, एम्पटी। एम्पटी की स्पेलिंग क्या है, ई एम पी टी हुआ है। स्टार्ट किससे हो रहा है, ई से, और ई से स्टार्ट हो रहा है तो इसका उच्चारण किससे आ रहा है, एम्पटी, ए आ रहा है ना। तो अब एम्पटी स्टोमक, ठीक है, सिंगुलर है, सिंगुलर से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, ए और एन का। अब यहाँ पर ए आ रहा है, बोलने में उच्चारण है, एम्पटी का क्या आ रहा है, ए, तो ए के हिसाब से हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, एन का। फिफ्थ वाला देखिए, यू कैन डू इट इन डैश इवनिंग। हम देखिए कभी भी इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून इनका यूज करते हैं ना, तो इनसे पहले द का यूज करते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ठीक है। तो इवनिंग से पहले यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा, द का यूज किया जाएगा। सिट कामली ऑन डैश मैट। अब देखिए मैट सिंगुलर है, सिंगुलर से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, ए और एन का। अब यहाँ पे ए और एन में से किसका यूज किया जाएगा, देख लेते हैं, मैट। उच्चारण किससे स्टार्ट हो रहा है, मै से। मै क्या है, कंसोनेंट, कंसोनेंट से पहले किसका यूज करते हैं, ए का। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए। तो सिक्स में क्या जाएगा, ए। नाउ प्रेस डैश राइट नॉस्ट्रिल विद थंब। अब आपको प्रेस करनी है आपकी राइट नॉस्ट्रिल, जो नाक का जो नीचे का पार्ट होता है ना, उसे, विद थंब, किससे, थंब से। अब यहाँ पे देखिए, पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में यदि बात की जाती हो तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, द का। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, द। एट वाला देखिए, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। अब बेनिफिट्स दिया हुआ है, बेनिफिट्स क्या है, प्लूरल। अब प्लूरल के लिए तो हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम से, ठीक है, प्राणायाम से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द का। तो यहाँ पे आएगा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ
प्राणायाम। दिस इज इंडीड डैश इंस्पायरिंग सॉन्ग। इंस्पायरिंग सॉन्ग, देखिए सॉन्ग सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ए और एन का। अब हमारे जो डैश के बाद में जस्ट कौन सा वर्ड है, इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग का उच्चारण किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से, तो ई से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एन। टेन देखिए, ड्रॉ डैश रेनबो। अब रेनबो देखो सिंगुलर होता है ना, तो रेनबो में जो आर जो वर्ड है रेनबो का वो किससे स्टार्ट हो रहा है, आर से। अब आर को कैसे बोला जाएगा, रेनबो, रेनबो, तो रेन से बोला जा रहा है ना, तो रेन से बोला जा रहा है, तो इन दैट केस हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ए का। यहाँ पर एन का यूज तो नहीं होगा क्योंकि हमारा उच्चारण किसी वोवल साउंड का नहीं है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको समझा चुका हूँ, इसी तरीके से सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आपको एक बार करके देखनी है। इन दैट केस यदि कहीं पर भी कोई भी इश्यू आ रहा हो तो आप प्लीज़ एक बार रूल्स को चेक करके देख लीजिएगा, आपके इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे। फिर भी कोई भी समस्या आ रही हो, इन दैट केस प्लीज़ नोट डाउन ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर प्रॉब्लम नोटबुक, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू, थैंक यू।